हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फरीद उस्मान फ्रॉम जीपीजीसी लकी मरवत। इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट गेम्स रूल्स रेगुलेशन हिस्ट्री एंड टेक्निक्स, बट इन दिस करंट प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में मैंने जो मुख्तलिफ बुक्स पढ़े हैं, मुख्तलिफ गाइड्स पढ़े हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, क्रिकेट के बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, बट कुछ व्यूज़ जो हैं वो इधर मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। उनमें जो है, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। क्रिकेट का जो स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले थे जुनूब मशरकी इंग्लिस्तान से हुआ था, और ये कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ था। कहा जाता है कि एक चरवाहा दिन रात मवेशियाँ चराता था। दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि अपने मवेशियों को एक शिप यार्ड में जमा कर दिया। शिपयार्ड मतलब जब वो अपनी मवेशियाँ चराता था तो बाद में चराने के बाद उसने एक शिपयार्ड बनाया था, उसमें अपने मवेशियों को जमा करता था। तो इसके साथ खुद शिपयार्ड की दरवाजे के सामने वो आदमी खड़ा हो गया और उसके हाथ में एक लाठी थी, और एक दूसरा चरवाहा था या वहाँ एक दूसरा कोई था, वो ये करता था कि एक पत्थर नुमा जैसी बाल उसकी तरफ फेंकता था, और आउट करने के लिए वो ये करता था कि अगर वो पत्थर शिपयार्ड की दरवाजे को लग जाती थी तो वो प्लेयर या आदमी जो था वो क्या हो जाता था, आउट हो जाता था। चुनाचा हर रोज बैल बकरियां चरवाने के बाद ये अमल करने लगा, क्योंकि वहां इसको अब क्रिकेट क्यों कहते हैं। क्रिकेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक़्त उस ज़माने के लोग ये जो शिपयार्ड की दरवाज़ा थी, ये जो शिपयार्ड की खिड़की थी जो उन लोगों ने बनाई थी, इस खिड़की को उस वक़्त के लोग, उस ज़माने के लोग क्रिकेट खेलते थे। बाद में ये क्रिकेट इतना मशहूर हो गया कि नौजवानों के साथ बच्चों और औरतों ने भी मोहल्ले में इसमें हिस्सा ले लिया। यानी कहने का मतलब ये था कि इसको क्रिकेट इसलिए कहा जाता था कि जो शिपयार्ड उस चरवाहे ने बनाई थी उसके दरवाजे को उस वक़्त के लोग क्रिकेट कहते थे। दूसरी रिवायत के मुताबिक ये गेम जो है स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड इन 13th century। ये गेम यानी क्रिकेट 13वीं सदी में इंग्लैंड से स्टार्ट हुई। तो उस वक़्त के लोग इसको क्रिकेट क्यों कहते थे, वो इसलिए कहते थे इब्तिदा में इस गेम का नाम स्टूल बाल था। पहले क्रिकेट का जो नाम था उसको लोग स्टूल बाल कहते थे, क्योंकि इसमें विकेट की जगह स्टूल को उल्टा करके इस्तेमाल किया जाता था। इसको स्टूल क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था कि इसमें स्टूल, ये जो तीन टांगों वाली मेज होती है, वो इस्तेमाल हुआ करता था। इस खेल में एक खिलाड़ी स्टूल की मदद से बाल को हिट करने की कोशिश करता था। जबकि दूसरा हाथ की मदद से उस बाल को रोकने की कोशिश करता था। और प्लेयर को आउट किस तरह आउट किया जाता था, अगर बाल स्टूल को लग जाता तो खिलाड़ी की बाली तब्दील हो जाती थी, मगर बाद में इस खेल के लिए हाथ की बजाय लकड़ी की एक स्टिक इस्तेमाल की जाती थी जिसे क्रिलल कहा जाता था। माहिरीन का ख्याल है कि इस क्रिलल से इसका नाम क्रिकेट बन गया, जो कि क्रिलल की बिगड़ी हुई शक्ल है।
एक रिवायत तो ये था कि उस ज़माने में जिस चरवाहे ने शिपयार्ड बनाई थी, तो उस शिपयार्ड की खिड़की को उस वक़्त के लोग क्रिकेट कहते थे। दूसरा रिवायत ये है कि इब्तिदा में इस क्रिकेट का नाम क्रिलल था, और क्रिलल जो था वो एक लकड़ी का स्टिक था, वो जो क्रिकेट में इस्तेमाल होता था, और उसके लिए एक स्टूल इस्तेमाल होता था, विकेट की जगह 3 टांगों वाली ली मेज़, तो उस स्टिक को क्रिलल कहा जाता था, तो इस वजह से इसका नाम क्रिकेट बन गया। तीसरी रिवायत के मुताबिक, यानी बाज़ लोगों का ये ख्याल है, बाज़ तारीखदानों का ख्याल है कि 1550 में इंग्लैंड में सरे के इलाके में फोर्ट के नाम पर स्कूल के बच्चों में ये खेला जाता था। यानी 1550 में सरे के इलाके में जो इंग्लैंड में थे, कोई फोर्ट एरिया था, उसमें ये खेल कहा जाता था। 1558 से 1603 तक क्वीन एलिजबेथ, मलकिया एलिजबेथ के दौर में ये इंग्लैंड में खेला जाता था। यानी ये इसके मुतालिक तीसरा रिवायत है कि ये 1550 में इंग्लैंड के सरे कोई इलाका था, उसमें खेला जाता था, और 1558 से 1503 तक क्वीन एलिजबेथ के दौर में ये खेला जाता है, खेला गया है। 1780 तक इस खेल को आम लोग नहीं जानते थे, वो इतना पॉपुलर नहीं था, और यही वजह था कि इब्तिदा में इस खेल को ज़्यादातर लोगा हवारा और बदमाश किस्म के लोगों का खेल समझा जाता था। 1700 ईस्वी में इंग्लिस्तान के मशहूर सियासतदान ग्रेम वेल पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए गए थे। वो इसलिए कि वो एक ऐसा खेल खेलता है जो कि बेहुदा और हवारा लोगों का खेल है। ये क्रिकेट जो आजकल इतना पॉपुलर हुआ है, इतना मशहूर हुआ है, ये किसी ज़माने में बेहुदा हवारा लोगों का खेल समझा जाता था। खेल है 1700 ईस्वी तक इस खेल को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, और इसी 1700 ईस्वी में खेल को रोकने की कोशिश की गई है, हत्ता कि लोगों ने अदलिया का भी सहारा लिया। बहुत से लोग इस केस के मुतालिक इस लड़ाई में अदालतों में भी चले गए, जिसके नतीजे में हुकूमत ने सिर्फ संडे के दिन क्रिकेट को बंद कर दिया। यानी बाकी जो दिन थे उस दिन क्रिकेट खेला जाता था, और उस ज़माने में संडे को मुतबर दिन यानी ख़ास दिन समझाया जाता था, तो इस वजह से इतवार के दिन क्रिकेट पर स्टे लिया गया, क्रिकेट को बंद कर दिया गया था। हाँ, जब मुखालिफिन ने इसकी मुखालिफत की तो इसको संगीन सजाएं दी गई हैं, और इनको जेलों में भी डाल दिया गया है। 1719 में लंदन और केनेट के टीमों के दरमियान बाकायदा एक मैच खेला गया। कब? 1719 में लंदन और केनेट के टीमों के दरमियान बाकायदा एक मैच खेला गया और 1719 में काउंटी चैंपियनशिप की बुनियाद रखी गई है। 1771 तक इस खेल के बाकायदा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, मगर 1774 में लंदन क्रिकेट क्लब ने इसके लिए बाकायदा रूल्स रेगुलेशन बनाए। और किसके रूल से बनाया? MCC के वजूद में आने के बाद इस
ने इस क्लब ने या उस जमाने का जो भी था, तो उसने इस रूल्स में चेंजेस कर दी, तरमीम कर दी, और 1788 में नए कवानीन मुरतब हो गए। 1782 में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया। कहाँ पर खेला गया? ओल के मकाम पर, इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। इंग्लिस्तानी टीम को अपने आप पर बहुत नाज था, बहुत फख्र था, मगर ये टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 46 रन से जीत लिया और इंग्लिस्तान की टीम को शिकस्त दे दिया। तो उस वक्त, उस जमाने में एक अखबार था जिसका नाम था अच्छा, तो उस जमाने में एक अखबार था जिसका नाम था स्पोर्ट्स टाइमर। तो स्पोर्ट्स टाइमर ने ये लिख दिया इंग्लिस्तान के बारे में कि इंग्लिस्तान के बारे में उन्होंने ये तायुन शेयर किया, जिसका मतलब कुछ इस तरह था कि इंग्लिस्तान की टीम मर गई और इसकी राख को ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने साथ ले गई। अगले साल 1883 में जब इंग्लिस्तान ने आयो बिलाई की कियादत में ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दौरे पर गई, तो उनसे सवाल किया गया कि उनके दौरे का मकसद क्या था। बिलाई ने कहा कि पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई टीम आयो बिलाई ने कहा कि पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लिस्तान की क्रिकेट की टीम राख अपने साथ ले आई है। मैं वही राख वापस लेने आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दोनों टीमों के माबैन एक जबरदस्त मैच खेला गया, जो कि खुशकिस्मती से इंग्लिस्तान ने वो मैच जो था जीत लिया। इसी दौरान दो ऑस्ट्रेलियाई खवातीन मैदान में दाखिल हुई और एक बेल बतौरी निशानी अपने साथ ले आई। फिर इस बेल को जलाकर इसमें मिट्टी की खूबसूरत रागदान मिट्टी की एक खूबसूरत रागदान जैसी थी वो आई आयो बिलाई जो था उसको दे दिया और बतौर तोहफा पेश कर दिया और कहा कि ये वो राख है जिसे ऑस्ट्रेलिया से वापस हासिल करने के लिए आप आए थे। अठारह सौ तिरासी में आयो बिलाई मर गया और वही रागदान जो उसको बतौर तोहफा दिया गया था वो इंग्लिस्तान में लॉर्ड रोड के लिंक रूम या कॉम्प्रेस में रखा गया था। यानी मतलब कि ये राग जो था वो वहाँ अभी भी मौजूद है, वहाँ रखा गया था। 1953 से 1954 तक 1953 से 1954 तक पाकिस्तानी पीसीसी ने कौमी क्रिकेट चैंपियनशिप की बुनियाद रखी, जो बाद में कायद आजम ट्रॉफी का नाम दिया गया था। यानी बाद में कायद आजम ट्रॉफी के नाम से मशहूर हो गया। 1971 में वनडे क्रिकेट में जो था वो क्रिकेट में इंक्लूड कर दिया गया, शामिल हो गया। और इसी दिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीमों के माबैन पहला वनडे मैच जो था वो मुनक्कद हो गया और मेलबर्न के मकाम पर खेले गए। इसी खेल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को फतेह हासिल की गई है। 1957 में पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट इंग्लैंड में मुनक्कद हुआ और साथ में ये फैसला किया गया है गया कि क्रिकेट मैच जो है वो हर 4 साल के बाद खेला जाएगा।
ये थी हमारी आज की क्लास, थोड़ी बहुत शॉर्ट हिस्ट्री क्रिकेट के मुतालिका। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिकेट के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्रिकेट के जो टेक्निक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।